उसके दूसरे अध्याय और दूसरे अध्याय और सातवें पद में देखें, पढ़िए तो मेरे लिए, अगर पढ़
शक का शुबा होती है तो वचन में से हम क्लियर करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ पढ़िए कोई। रचा परमेश्वर के सामने कुछ छिपा चाहे आत्मा हो चाहे देव हो
आसपास का उदाह को बनाया है और आत्मा को उसी प्रकार से बनाता है जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं। सो उससे उसकी नजरों से हमारा जीवन कुछ भी छिपा नहीं है। बड़े अद्भुत रीति से भयानक रूप से जिस प्रकार से मैं बना हूं, मैं विनोद का परमेश्वर, पर तूने मुझे खूबसूरती से बनाया। मट्टी अगर आप हाथ में लगे तो चिंता चिंता करेगी। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मट्टी अगर आप हाथ में लोगे, गांव की मट्टी हाथ में लोगे तो क्या करोगे? बड़ी चिंता चिंता है। तुरंत आप पानी से धोने का काम, परमेश्वर ने उसी मट्टी से हमको और आपको किसी गलती से नहीं बनाया, बल्कि उसने हमने आपको उस सब अनुग्रह के द्वारा अपने स्वरूप में, अपने सामर्थ्य, अपने देवी से हमको बनाया। हर एक चीज की गणना उसने करी और क्या लिखा है, और तेरी आंखों ने मेरे विडौल तत्व को देखा है और आप मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे वे 16 रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार का ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ जैसा बड़ा है। मैं किस स्थिति से रचा गया हूं परमेश्वर, मेरा शरीर जो है वो तू उसे जानता है और शरीर की रक्षा करना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमारे शरीर में से या इस जुबान में से जिस प्रकार से हमने बदल देता है, चमड़े की जुबान है कभी फिसल जाती है, कभी फिसल जाती है, झूठ बोलती है, किसी के विरोध बोलती है, किसी के लिए अच्छा बोलती है, किसी के लिए निर्माण के लिए बोलती है, ये चमड़े की जुबान है। सो मनुष्य को इस बात को ध्यान करने की जरूरत है, मनुष्य को सोच और विचार करने की जरूरत है, परमेश्वर मैं बनाऊ को बेडोल और बड़े अद्भुत से रचा गया हूं, परमेश्वर मेरे जीवन को कुछ संभाल, मेरे देह को संभाल, भले ही देह इस समय में जवाब समाप्त हो जाएगा वर्तमान काल में, पर वापस आपको मिलेगा स्वर्ग राज्य में जब वो आएगा, तो देह को संभालना भी बहुत जरूरी है। इसमें भले आसान से रोक लगे हैं पर इसे संभालना भी बहुत जरूरी है, इसे जीवन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पौलुस दमिश्क के रास्ते में मिला प्रभु यीशु मसीह से, मैं गलत हूं सही हूं? सही हूं ना? जब पौलुस मिला तब पौलुस के शरीर को परमेश्वर ने क्या किया? इतिहास में प्रकाशित वाक्य में, सॉरी द बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह को पौलुस मिलता है, या फिर जब हम कह सकते हैं पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह से मिला, साउल के रूप में था पहले बात में, तो परमेश्वर ने क्या परिवर्तन किया उसके जीवन में? पहला शरीर का परिवर्तन पहले किया, आंखें क्या करती और वो सामर्थ्य था, पर परमेश्वर ने उसके बल को भी समाप्त कमजोर कर दिया, वो कमजोर हो गया। हाँ परमेश्वर बोलते हैं इसके दिमाग बड़ा तेज है, अच्छा बड़ा विरोधी है, हाँ राजा से उतार पत्र में लिखवा के गए लोगों को सताने जा रहा है। इसका पहले शरीर कमजोर करना बहुत जरूरी है, आंखें बंद कर दिया और उसका सामर्थ खत्म कर दिया, अब कमजोर हो गया, घुटने पे आ गया, अब क्या करूं कहां जाऊं? फिर बाद उसने ग्लूकोस आया, आत्मा को उसने वह बदला, उसके प्राण की रखवाली करी, रखा उसको वहां पे 3 दिन देखभाल करी, परमेश्वर का वचन के ज्ञान हुआ, तब जाके वो पौलुस, तब जाके वो पौलुस। ऐसा करना परमेश्वर अगर तुम्हें चाहता है, परमेश्वर कार्य करता है, यदि सेवकाई के लिए किसी प्रकाश तैयार करता है, आपके शरीर आत्मा प्राण तीनों में कार्य करेगा,
और ये तीनों में कार्य करना बहुत जरूरी है, वरना इसके अलावा आपको उसका कार्य नहीं हो सकता, तभी वचन सफलता से कार्य करता है। तो हमारा आपका जो जीवन को स्नान होता है, जो परिवर्तन का कार्य होता है, वो तीनों बातों में ही होता है, शरीर आत्मा और प्राण, ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है और सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर पहली बात वचन के रूप में बोलता है कि हमको और आपको हमारी देह को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है, आपको रीति से रचा है और वो चाहता है कि शरीर भी बचाया जाए। तो मेरी पहली बात समझ में आई, शरीर का बचना क्यों जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इसने अद्भुत रीति से हमारे जीवन को रचा है, इसलिए शरीर बचना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में हमको और आपको एक वार्निंग भी देता है ना, एक वार्निंग भी दिया है, पति उसके तीसरे अध्याय 19वें पद में क्या लिखा है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल। दैट इज द वार्निंग, बॉडी शरीर भले ही मैंने इसे बनाया पर तूने इसी शरीर से मेरे विरोध पाप किया है। जब तूने इस शरीर से मेरे विरोध पाप किया है, जब मैंने तेरे आंगों को रचा है, जब मैंने अपनी आत्मा तेरे जीवन में डाली है, तूने इसका विरोध किया है, तो अब तू इसी शरीर से दुख उठाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जब तक तेरे शरीर से वो पसीना नहीं निकलेगा, तब तक तू रोटी को पैदा नहीं कर सकता। सो इस शरीर से दुख उठाना बहुत जरूरी है। ये नहीं है परमेश्वर को मेरे शरीर में दुख ही दुख देता है। अय्यूब के जीवन में से शरीर को दुख दिया परमेश्वर ने, पर उससे विपरीत भागा नहीं, बल्कि वह उसी देह में रह के उसी शरीर में रह के उसने उस दुख को सहा और धन्यवाद लिखा गया। सो परमेश्वर का वचन तो धन्यवाद है, वो हमारे हड्डियों टिकुदे कुदे मांस मांस लहू को छेदता है, ताकि हम उसके द्वारा उसके नाम के तहत महिमा को प्राप्त करने पाए या देने पाए, दोनों तरफ से। तो शरीर हमारा पकड़ा रहना चाहिए। दूसरी बात, आत्मा, आत्मा का पकड़ा और कार्य क्या है। आत्मा का कार्य हमारा और आपके मनुष्य जीवन में एक चेतना को प्रदान करता है, इट ब्रिंग्स अ रिलेशनशिप। शरीर और प्राण, द बॉडी एंड सोल, जिसके बीच में जो कार्य करता है, जोड़े रहता है, वो है हमारी आत्मा। आत्मा चेतना प्रदान करती है, आत्मा सही और गलत को प्रेरणा प्रदान करती है, आत्मा हमें और आपको जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रदान करती है, और ये दोनों में कोऑर्डिनेट करती है। शरीर तुम्हारा क्या करना है और तुम्हारा प्राण कहाँ लगा है, इन दोनों का नियंत्रण कौन करता है, आत्मा करती है। आत्मा की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। आत्मा जब भी परमेश्वर हमको और आपको अनुग्रह के द्वारा एक संबंध स्थापित करता है, ये आत्मा का परिवर्तन होता है। हम कहते ना, जैसे मैं पादरी बना हूं तो मेरे आत्मा का परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि परमेश्वर मेरे शरीर और मेरे प्राण को नियंत्रित करके आत्मा के परिवर्तन के द्वारा तब हम उसकी सेवकाई चले गए हैं, बने गए हैं, पाए गए हैं, या हम करते हैं सेवकाई। ये कौन कोऑर्डिनेट करेगा, आपका हमारे जीवन का जब परिवर्तन होता है किसी शरीर के माध्यम के द्वारा नहीं है, ये आत्मा का कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि शरीर और प्राण दोनों को मिला करके आपके और हमारे हृदय को परिवर्तन करता है। इसलिए आत्मा का कार्य है, वो आत्मा कौन सी है, जो परमेश्वर ने हमारे नथनों में मनुष्य के जीवन में डाली या प्रकट करी, यह परमेश्वर है, वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। सो इस आत्मा के तहत हम और आप हमारे जीवन को परमेश्वर के तहत अर्पण करने पाए। कोई बात तो मैंने पढ़ लीजिए आत्मा के बारे में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, रोमियो की पुस्तक, नए नियम में से रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 16वें पद आत्मा के बारे में हमें प्रेरित करता है। हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, आत्मा किसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर के, ये दोनों जन मिलकर के बॉडी और प्राण को, बॉडी और सोल में कोऑर्डिनेट प्रदान करते हैं, और हम इस बात को फिर गवाही के रूप में या जुबान के रूप में या शारीरिक जीत के रूप में ये अंगीकार करते हैं कि
समझ में आ रही है मैं किस बारे में बताना चाह रहा हूं? क्या आधार है मैं बता रहा हूं? आत्मा जो हमारे बीच में है वो हमारे शरीर में अधिकार प्रदान करती है, एक जीवते परमेश्वर के बारे में हमको दर्शन देती है, और ये शरीर जुबान के माध्यम से द्वारा अधिकार करता है, और ये प्राणों को एक सामर्थ्य प्रदान। मेरी बात समझ में आ रही है? पौलुस के जीवन में से जब तक वो शरीर का परिवर्तन नहीं हुआ, जब तक वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उस रास्ते में नहीं मिला, तब तक वो बिना लाभ किसी प्रकार से घूम रहा था, सतत घूम रहा था, शरीर से भी पार काम कर रहा था और अपने आत्मा से होता था, प्राण के साथ में भी बड़े सामर्थ्य द्वारा काम कर रहा था, क्योंकि उसका दिल और दिमाग विरोध दे रहा था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पौलुस की आत्मा से बात करती है, जीवन परिवर्तित। उदाहरण के बाद में जरा मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। भले ही तीनों चीजें हैं पर एक बाइक का डिफरेंस है, ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर संभालने के लिए कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने दिया है वैसे मुझे वो शरीर चाहिए और वैसे मुझे वो आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा हमारे आत्मा का साथ मिलकर यह अधिकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तीसरी बात सोल प्राण। अभी प्राण के बारे में अगर हम तीन बातों को देखेंगे मुख्य रूप से, अगर हम देखते हैं जो प्राण हमारे जीवन को इस बात को कराता है, द फर्स्ट सोल है ना, प्राण की प्यासा, प्यास होती है ना, तो शारीरिक जीवन की प्यास होती है, पर वो कैसे उत्पन्न होती है? जब आपका लहू इस बात को दिमाग के संचार के रूप में ले जा रहा है, बराबर है, आपका प्राण जब आपके लहू में है और जब उसको विकसित किया जाता है, जब वो शरीर में दौड़ता है आपका प्राण, तब आपको ये मनो में विचार लेकर आता है, आपके ज्ञान में ये इंद्रकोश में इस प्रकार से बताता है कि भाई आपको प्यास लगी है। तब आप संसारी जल को ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्राण परमेश्वर का प्यासा होता है। इस बात को हम सामने स्त्री के मध्य में देखा ना, पिछले पॉइंट में रास्ता से पढ़ा ना, फोर्थ चैप्टर में फिफ्थ चैप्टर में सामने स्त्री के जीवन में वो संसारी जल की प्यास थी। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए वो आत्मा के द्वारा वहां पे कार्य करता है। अगर मैं इस बात को पढ़ूं भजन संहिता 52 अध्याय और दूसरे पद में, जीते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, हेलो, भजन संहिता इस बात को प्रकट करती है, जीते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मेरे प्राण परमेश्वर के प्यासे हैं। फिर उसके बाद में हमारा प्राण क्या बोलता है? मेरा प्राण दुखी होता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 25वां पद मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, प्राण के बारे में बता रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 25वां पद, मेरा प्राण दुखित होता है, हे परमेश्वर मेरा प्राण खेदित है, मुझे इस तकलीफ से बचा। ये प्राण आता है जो आपके हमारे शरीर के लहू में एक जीवित होने के रूप में एक सामर्थ्य द्वारा सोल वो इस बात को कहता है कि मैं दुखित हूं परमेश्वर, मेरा प्राण शोकित है। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 25वां पद। तीसरी बात प्राण के बारे में, प्रेम करने वाला प्राण, सोल दैट लव। सुलेमान सॉन्ग ऑफ सॉन्ग श्रेष्ठ गीत एक साथ, हे मेरे प्राण प्रिय, द लव ऑफ द लॉर्ड, हे मेरे प्राण प्रिय, ये इस बात को निर्धारित करता है। ये प्राण के बारे में मैं संदर्भ बता रहा हूं। और जब आपकी वृद्धि होती है
पहले डॉक्टर क्या बोलता है, इसकी आत्मा नहीं निकली है, इसका क्या निकला है, प्राण निकला है। He never talks in a spiritual context। अगर आप डॉक्टर का सर्टिफाइड लिखोगे, डॉक्टर साहब से पूछोगे इस बात को लिखोगे भाई इसके प्राण ना संसारिक होते हैं, इट इज अ लॉजिकल। हाँ कोई मसीह रहेगा कोई कुछ रहेगा तो आप चलो परमेश्वर के पास इसके आत्मा को जाइए, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। हाँ दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैं इसी बात को अगर कोई मर गया है तो मैं इसको बोलूंगा भाई इसकी आत्मा निकल गई है, और डॉक्टर साहब सर्टिफाइड करेंगे तो मैं क्या बोलेंगे इसके प्राण, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपका प्राण आपके लहू में दौड़ता है, और जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाली तब परमेश्वर ने जब ऐसी आत्मा को प्रवेश कराया उसके अंदर जो हड्डी मांस मांस लहू में था वो प्राण उत्पन्न हुआ, और लहू के द्वारा हमारे बीच में प्राण काम करता है। और मालूम है मरने के बाद में क्या होता है, लहू का लहू क्या हो जाता है, देखिए क्या परिवर्तन है परमेश्वर का, क्योंकि प्राण निकल गया। जो आत्मा के साथ में डाला गया था वो प्राण है, वो लहू के द्वारा कार्य करता है, और मट्टी रचने के लिए परमेश्वर को पानी की जरूरत, आप मट्टी को आकार बिना पानी के नहीं दे सकते। मेरी लॉजिक बातों को समझिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो सिर्फ सूखी मट्टी से आत्मा को नहीं बनाया, मट्टी को आकार देने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, पानी की। और जब उसने आदम को मट्टी में से रचा पानी के माध्यम के द्वारा, उस पानी में जब प्राण आए तो वो लहू का परिवर्तन हुए, और जब वो प्राण निकल जाते तो वापस आ जाए, मट्टी मट्टी में चला जाएगा और लहू में जो प्राण रहता है वो लहू खत्म हो जाएगा और पानी। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैं किस बारे में बताना मांग रहा हूं, सबसे ज्यादा मैंने आपके बारे में शिक्षा को रखा, इस बात को मैं कभी नहीं भूलना चाहिए, एक शिक्षा लिखी जाएगी, उद्देश्य लिखी जाएगी, और सोचिए और विचार करिए कि आज मैंने उस शिक्षा से क्या प्राप्त किया है। देह प्राण और आत्मा, ये तीन बातें आपके जीवन में बहुत साफ तौर से काम करती हैं। और परमेश्वर कहता है कि हम और आपको पहले सूत्र उसके पांचवें अध्याय के अनुसार ये तीनों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये तीन बातें परमेश्वर हमको और आपको इसी बात के माध्यम से द्वारा अनुग्रह के द्वारा आशीष को बनाए, और ये शायद उससे पहले अध्याय चाहे तेरे पाप गहरे लाल रंग के क्यों ना हो वो ही बिना श्वेत किए जाएंगे, यशाया उसके पहले अध्याय 18वें पद में। तो परमेश्वर हमको सुरक्षा प्रदान करता है, आत्मा देह प्राण ये तीन बातें हमारे जीवन से जुड़ी है। हम जैसे भी परमेश्वर तेरे समक्ष हम आते हैं, विधि के समक्ष आते हैं, और परमेश्वर तीनों का अनुग्रह के द्वारा उद्धार करने में योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, ताकि हम उसके सुरक्षा रहें। आइए हम पिता होने के हम तीनों को
सुरक्षा में रहने पाए, प्रभु में नहर करने पाए, शारीरिक रूप से पिता अपने संसारिक जीव को हम नियंत्रित करने पाए, आत्मा के द्वारा पिता सुरक्षित रहने पाए, अंगीकार करने पाए कि प्रभु यीशु मसीह है और ये प्राण उसको गवाही देने वाला है। सो पिता अरे कुछ स्पर्श दया में अपने प्रभुता में अपने सामर्थ को लेकर जाए उद्धारकर्ता पहले के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं सुनने का बल दीजिए इस बात को आमीन।